हरनेक सिंह न्यूजीलैंड नाम ही काफ़ी है। 23 नाम के बारे हर कोई जानना चाहता है कि ये इंसान कौन है ते कितों आया ते फ्यूचर विच इहदा की टीचा है। असीं तुहानूं दसदे हाँ इस इंसान बारे। पंजाब दे एक गरीब घर विच जन्मिया ये नौजवान बचपन तो ही जो बहुत कुछ करना चाहता सी, उसके बहुत वड्डे वड्डे लक्ष्य सन, बहुत वड्डे वड्डे सपने सन। तो एक दिन वो घरों चल पिया अपने इन्हां टीचों इन्हां लक्ष्यों को पूरा करने वास्ते। वो चलता गया चलता गया चलता गया तो चलता चलता न्यूजीलैंड शहर में पहुँच गया। उसने न्यूजीलैंड शहर जाके देखा कि उत्थे कोई भी स्कूल नहीं है, तो उसने न्यूजीलैंड की सरकार को कह के बहुत सारे स्कूल बहुत सारे कॉलेज से बहुत सारिया यूनिवर्सिटीज खुलवा दित्तियां। फिर एक दिन उसने चलते चलते ने वेख्या कि इत्थे रोड नहीं हैं, तो उसने न्यूजीलैंड की सरकार को कह के बहुत सारे रोड बनवा दिते, बहुत सारे हाईवे बनवा दिते, बहुत सारे एक्सप्रैस हाईवे बनवा दिते। फिर एक दिन उसने चलते चलते ने वेख्या कि न्यूजीलैंड नॉर्मल करने वड्डियां बिल्डिंगां नहीं ने। फिर उसने कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवाया न्यूजीलैंड की गौरमेंट को कह के, तो वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां बन गई, वड़े वड़े बहुत सारे फार्म हाउस बन गए, तो दुनिया में न्यूजीलैंड का नाम वड्डे लैवल पर आने लग पाया। फिर एक दिन वो चलते चलते ने देखा कि न्यूजीलैंड मझां गावां बिल्कुल नहीं हैं, तो ना ही बकरियां हैं। तो फिर सरकार को कह के उसने वाइट क्रांति लियांदी, दुध वाली क्रांति, जिसकी वजह नाल न्यूजीलैंड के लोग मझां गावां पालन लग पे, उत्थे वाइट क्रांति आ गई। फिर एक दिन चलते चलते ने उसने की देखा कि न्यूजीलैंड ग्रीन क्रांति की लोड़ है, लोग सब्जियां तो फसल बहुत घट लाते हैं। तो उसने सरकार को कह के लोगों को फसल लवाया शुरू कर दतिया, लोगों ने ट्रैक्टर ट्रालिया लै लै हल लै लै सवागे लै लै तो वड्डिया वड्डिया मोटर ला दतिया, जिस नाल जमीनी पद्धर से हरी क्रांति बहुत वड्डे लैवल से आई, तो न्यूजीलैंड हरिया भरिया देश भी हो गया। फिर एक दिन उसने देखा कि न्यूजीलैंड कोई भी टैंक नहीं है, तो उसने खुद 5-7 टैंक न्यूजीलैंड की सरकार को तैयार करके दिते। तो फिर उस तो बाद न्यूजीलैंड की सरकार ने बहुत सारे टैंक तोपा तो मशीन गन्ना तैयार कर लिया। इस तो बाद न्यूजीलैंड की सरकार ने यह समझ लिया कि अगर हरनेक सिंह नेकी न्यूजीलैंड ना आते तो न्यूजीलैंड की अज आह दशा नहीं होनी सी, अज दुनिया में एड्डा वड्डा लेवल नहीं होना सी। इस वास्ते न्यूजीलैंड की सरकार ने खुश होकर हरनेक सिंह नेकी न्यूजीलैंड का खिताब दिता, तो वह अपने नाम नाल हरनेक सिंह नेकी की जगह हरनेक सिंह न्यूजीलैंड लाने लग पिया, तो अज पूरी दुनिया उसनों हरनेक सिंह न्यूजीलैंड के नाम नाल जानती है। न्यूजीलैंड जो ट्रैक है ये किसी हर किसी को नहीं दिता जाता, ये सिर्फ उन्होंने को है, तो वही अपने नाम नाल वरत सकते हैं। तुसीं देखिया होएगा कि अक्सर जदों भी न्यूजीलैंड की गल आती तो हरनेक सिंह का नाम वरत के लिया जाता है। हुण न्यूजीलैंड दुनिया का एक ऐसा देश बन चुका है जिथे हर चीज़ मौजूद सी, हर कुछ वो प्राप्त कर चुका है। तो फिर हरनेक सिंह न्यूजीलैंड ने सोचा कि क्यों ना वह धर्म प्रचार करे, तो उसने धर्म प्रचार करना शुरू कर दिता। धर्म प्रचार वास्ते उसने सब तो पहले विरसा रेडियो खोलिया न्यूजीलैंड, तो अपने 5-7 होर आदमियों की टीम बनाई, तो अज हरनेक सिंह न्यूजीलैंड बैठ के पूरी दुनिया में धर्म प्रचार कर रहा है। लोग उसका धर्म प्रचार सुन रहे हैं, लोग सीधे राह पै रहे हैं, लोग अपना जन्म सफल कर रहे हैं, लोग जन्मां जन्मांतरां के जिहड़े कष्ट सी उन्हां चों निकल रहे हैं, लोग अपनी जिहड़ियां चरासियां सी वो चरासियां हटा रहे हैं, चरासियां चों निकल रहे हैं। तो वीरो ये सन न्यूजीलैंड दे एक बहुत ही शलाघायोग परसन जो साढ़े पंजाब चो ही गए हुए ने हरनेक सिंह न्यूजीलैंड, उन्हां दी जीवनी असीं तुहानूं उन्हां बारे दस्सिया। तुसीं ये वीडियो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट जरूर करियो, तो अपना चैनल सबसक्राइब करियो, तो आज का तुहानूं इहो जिहे महापुरश किसे होर दी जीवनी बारे दसांगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।